वैक्सीनेशन लगवाने तो ज़रूरी है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन सेंटर ही एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया कोविड का? तो भैया फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन इज डन, मॉडर्ना वैक्सीनेशन लगवाइए JS बैंक ड्राइव थ्रू से। बेसिकली हम सबसे पहले डाउ चले गए थे, डाउ से फिर हम एक्सपो गए, एक्सपो से फिर हम यहाँ पे क्लिफ्टन ब्लॉक 3 नियर दुआ रेस्टोरेंट, ये JS बैंक का सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलेबरेशन में ये ड्राइव थ्रू लगा हुआ है। बेसिकली हम 2 बजे के करीब यहाँ ड्राइव थ्रू पहुँचे थे, 4 बजे टाइमिंग स्टार्ट थी और 4 से मेरे ख्याल से 12 बजे तक काफ़ी लंबी लाइन थी, 1-2 किलोमीटर लंबी लाइन थी। हम वहाँ पे खड़े रहे, वेट किया ऑब्वियसली, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आए थे और फ़ायदा भी हुआ हमारा जल्दी आने की वजह से, क्योंकि अगर आप देर से आते तो फिर लाइन भी काफ़ी पीछे लगते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फ़ायदा हो गया। मसाइल क्या पेश आए आप ये पूरी वीडियो में देख लेंगे, लेकिन कुछ मसाइल हाईलाइट करने के ये थे कि भैया वैक्सीनेशन लगवाने तो ज़रूरी है, लेकिन क्या वैक्सीनेशन सेंटर ही एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया कोविड का? क्योंकि आपको अगर आपने ईद में शॉपिंग की होगी तो, और मीठी ईद में आपको पता होगा बहुत रश होती है, धक्का पेली हो रही होती है और हर चीज़ हो रही होती है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं होता जितना यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर्स में। लोग लिटरली एक दूसरे के ऊपर इतने चढ़े हुए हैं, उसकी रीज़न ये है कि मिसमैनेजमेंट है। अगर एक बंदा 12 बजे आता है, एक बंदा 11 बजे आता है सुबह के टाइम, और वो उसको पता चलता है कि भाई आपको फजर के बाद आना है, फजर के बाद आपको टोकन मिलेगा, उसके बाद आपकी टाइमिंग के हिसाब से आपको वैक्सीनेशन लगेगी, तो फिर बंदा कैसे मैनेज कर सकता है? हर बंदा तो फजर के बाद नहीं पहुंच सकता ना, बहुत मतलब रेयर ओकेजन होता है कि भाई बंदा ऐसे बनाए सेटिंग। और इसी वजह से जो अर्ली वैक्सीनेशन थी उसमें मोस्टली लाइक 60% ऑफ कराचीज पॉपुलेशन डिडंट गेट वैक्सीनेटेड, और मैं उसमें शामिल हूँ, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रही थी। जो एल्डर सिटीजन थे, जो 60 अबव थे, उसमें बेहतरीन मैनेजमेंट देखी मैंने खुद पर्सनली। मेरी अम्मी वैक्सीनेशन हुई, फर्स्ट डोज में भी बहुत निज़ाम बेहतर था, सेकेंड में तो ज़बरदस्त कर दिया, बिठा के रखा, कॉल करते थे। अब तो जो सेंटर्स बने हुए उनमें बुरा हाल है। तो मेरी राय यही थी कि भाई जब मैं गया और मैंने सोचा भाई अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं रह सकता, अल्लाह ने मदद की, हम JS बैंक चले गए। ठीक है भाई, वहाँ पे जाके भी एक अलग हमारे साथ बड़ा गेम हुआ। गेम ऐसा हुआ कि जब हम लाइन में लगे हुए थे और बिल्कुल एंड पे पहुँच गए, तो एक हजरत आए हमारे पास, वो स्टिकर लगा रहे थे JS बैंक का, और स्टिकर लगाते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि आप कौन सी वैक्सीनेशन लगवाएंगे? मैंने बोला यार मैं मॉडर्ना। अच्छा, बेसिकली मैंने इसकी रिसर्च की थी, और क्योंकि मैंने बोला कि यार अब जब जाएंगे ऑब्वियसली हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हम रिसर्च करके जाएं कौन से हमारे लिए बेटर है, कौन सा नहीं है। ठीक है भाई, तो मैंने सोचा कि यार मॉडर्ना लगवाएंगे। मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला नहीं मॉडर्ना तो ख़त्म हो गई है। मैंने बोला मॉडर्ना ख़त्म हो गई है, मुझे समझ में नहीं आया। बोले नहीं, वो तो वैक्सीन ख़त्म हो गई है, हमारे पास ये 3 वैक्सीनेशंस हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक और एस्ट्राज़ेना। तो मैंने बोला यार हम तो मॉडर्ना लगवाने आए, हम तो दूर से इतना, हमने तो इंटरनेट पे भी देखा ये और वो, और ऑप्शंस भी हैं और हमारे पास आ गई हैं, तो फिर हम क्यों ना लगवाएंगे। तो बोला नहीं नहीं ये तो ख़त्म हो गई है, अगर आपको कोई और लगवानी है तो हम स्टिकर लगाएंगे, नहीं तो आप चले जाएं। मैंने बोला ठीक है भाई, नहीं है तो ऑब्वियसली आप दूसरी लगवाएंगे। हमने स्टिकर लगवा लिया। ठीक है, भाई से बात किया, वाले साहब से बात किया, उन्होंने समझाया कि यार ठीक है पूछ लेना और उनको एक्सप्लेनेशन दे देना कि भाई ये चीज़ें अगर वो लगा देते हैं, अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो ऑब्वियसली फिर जो सबके लिए इजीली अवेलेबल है वो चीज़ आप लगवा कर आप आ जाना। ठीक है भाई, हम जब पहुँचे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे, बड़ा ही जतन के बाद मैंने उससे सिंपली बोला यार मॉडर्ना। उन्होंने बोला आपके पास पासपोर्ट है? मैंने हाँ मेरे पास पासपोर्ट है। उन्होंने मुझसे आगे कुछ सवाल नहीं पूछा। उन्होंने ठीक है, उन्होंने रजिस्टर किया, हम आगे गए, हमने वैक्सीन लगवाई और हम घर चले। मतलब ये जो इतना बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी, क्या थी क्या नहीं थी, ये मुझे इसका जवाब नहीं मिला। ठीक है, आप वीडियो देखें और क्या क्या मरहल हुए उसको आप लाइव में देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम हाजिर नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक होंगे भैया। सीन कुछ ऐसा है कि आप सबको पता होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने पूरे सिंध में जो है वो लॉकडाउन लगा दिया है। आज हमारा निकलने का मकसद ये हुआ है, मी विद फैमिली, कि हम जाएं वैक्सीन लगवाएं।
तो आज की वीडियो होगी वैक्सीन की, और अभी हम जा रहे हैं डाओ। डाओ में देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। हाज़रीन और नाज़रीन, वी हैव रीच्ड डाओ ओजा कैंपस। बेसिकली हम लोग थोड़ी देर पहले डाओ का जो डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है हम वहाँ गए थे, क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा का वैक्सीन वहीं लगा था तो मैं वहाँ ही चला गया। तो वहाँ पे पता चला कि भाई नहीं, अब जो है ओजा कैंपस और ख़ाली एक्सपो में ही लग रही है। तो वी हैव रीच्ड ओजा कैंपस राइट नाउ एंड वी आर गोइंग टू द वैक्सीनेशन सेंटर एंड वी आर गोइंग टू सी कि भाई सिचुएशन क्या लगी हुई है। सामने देख सकते हाँ, वहाँ पे आ जाए। ओके, तो हाज़रीन नाज़रीन, वी वेंट टू ओजा कैंपस और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। यहाँ पे तो इतना बुरा हाल है कि मैं समझता हूँ इनको यहाँ पे लॉकडाउन लगाना चाहिए। कोई SOPs नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, लोग इतने घुचमुच हुए हैं लिटरली। आपको ये इतना घुचमुच कहीं पे मार्केटों में भी नहीं मिलेगा जितना घुचमुच यहाँ पर है। बहुत बुरा हाल है। और सोने का सुहागा ये है कि सुबह 7 बजे आएँ और वो फिर आके टोकन लें। टोकन लेने के बाद जो है फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप वैक्सीन लगवाएं। उसके अलावा अगर आप आते हैं तो आप टोकन नहीं मिलेगा आपको, और फिर आप नेक्स्ट डे आएँ। इनसे मैंने पूछा कि यार 24 आवर्स का सुनने में आया था, 24 आवर्स लग रही है, तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ सुबह में आएँ, आप टोकन लगवाएँ, टोकन लें, उसके बाद ही आपकी वैक्सीन लग सकती है। कि अभी सिचुएशन यही है, बहुत बुरा हाल है लिटरली। इससे अच्छा आप मार्केटें खोल देते, इससे अच्छा आप जो है पूरा कराची खोल देते, जितना हॉस्पिटल में बुरा हाल है। माजरत के साथ, वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब गोइंग टू अनदर स्पॉट, अब देखते हैं, या तो एक्सपो जाएंगे या फिर क्लिफ्टन में सुना था ड्राइव थ्रू है, ऐसे आप आए गाड़ी में और वैक्सीन लगा के चले जाएँ, वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन। भैया रश के बाद जो है अब हम दोबारा खाली रोड पर आ गए। अच्छा, दोनों साइडों पर मोबाइल खड़ी की हुई थी और जाने सबको दे रहे थे, मतलब ये मोबाइल खड़ी करने का मकसद क्या था ये समझ में नहीं आया। लेकिन खैर, क्या पता वो इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने अपनी कोई स्ट्रेटजी बनाई होगी। अभी हम जो है तकरीबन नीपा से गुजरने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे एक्सपो। एक्सपो पे एक चक्कर लगा लेंगे क्या सिचुएशन है, नहीं तो फिर जो JS Bank का क्लिफ्टन ब्लॉक 3 की तरफ लगा हुआ है वैक्सीनेशन ड्राइव थ्रू, तो फिर अब वहाँ चक्कर लगाएंगे। तो एक एक्साइटिंग वैक्सीनेशन व्लॉग बनने जा रहा है आज। हजरात, वी हैव रीच्ड एक्सपो सेंटर और अब देखना है भाई पार्किंग शार्किंग का सीन है या नहीं है। हजरात, बहुत ज़्यादा रश लगी हुई है, बहुत ज़्यादा, और मैं जो है ना आई एम नॉट इवन गोइंग टू गो इनसाइड, बिकॉज जो Gate Number 1 था मैं समझा Gate Number 2 से हमारी एंट्री होगी, और Gate Number 1 पर आया हूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थी। 2 पे आया तो वहाँ पर Gate 1 लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा रश लगी हुई अंदर। तो अभी अब क्लिफ्टन जाते हैं हम लोग, देखते हैं वहाँ पे अगर सीन बनता है तो वहाँ पे चक्कर लगा लेंगे, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे कि भाई टुमारो वी गोइंग टू कम एट 7 और मे बी आफ्टर फजर, ताकि भाई कुछ कर सके। सो हजरात, वी हैव रीच्ड द JS Bank ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर। बेसिकली ब्लॉक 3 जो आपका ये पार्क है ना यार, ये बड़ा सा जो बाग है जिना, मेरे ख्याल से ये ऐसे पार्क का नाम है। सो दिस इज बेसिकली द लाइन एज यू कैन सी के वी हैव कम थ्रू द ड्राइव थ्रू, और आप ये पीछे लाइन देख सकते हैं, बिल्कुल पूरी ये लाइन है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू वेट एंड वी आर गोइंग टू सी। नाज़रीन और हाज़रीन, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो मुझे इस चीज़ का एम नहीं था, वो ये है कि वैक्सीनेशन जो है वो 4 बजे से लेकर 12 बजे तक होती है, तो इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। और जो हमारी गाड़ी की मूवमेंट हो रही थी ना, वो इस वजह से हो रही थी कि लोग कुछ लोग बेचैन होकर सब्र कर करके फिर निकल के कहीं और काम से या फिर लाइन से हट जाते, तभी गाड़ी मूव हो रही थी। अभी एक आइसक्रीम वाला जा रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला यार अपडेट दो क्या सीन है। उसने बताया भाई 4 बजे स्टार्ट होता है और एक बारी में 6 गाड़ियाँ जो इन्होंने डेजिग्नेशन पॉइंट रखा हुआ उससे गुजरती हैं, फिर वहाँ से प्रोसेस होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस हिसाब से जो है वो
ड्राइव थ्रू चलता है, इसलिए हमारे पास अभी भी एक घंटा बाकी है। अस्सलाम वालेकुम हाजीन और नाजरीन, आफ्टर मोर देन 2.5 आवर अब हालत से देख सकते हैं JS बैंक रिस्पॉन्डेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे वो बाहर आए, उन्होंने स्टिकर लगाने के लिए आए, उन्होंने बोला आप कौन सी वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। मैंने बोला भाई मॉडर्ना, तो उन्होंने ये बोला कि भाई मॉडर्ना नहीं है। अच्छा, टू ऑल ऑफ दोज पीपल हु आर अ बिट कंफ्यूज, भैया देखो हम जो है ये वैक्सीनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले चाइना वैक्सीन हैं जो हमें चाइनीज़ ने एज अ गिफ्ट हमें दी, ठीक है भाई, उसमें साइनोवैक है, साइनोफार्म है और एक दो और है, मैं इंटरनेट से आपको एग्जैक्ट चीज़ भी शायद कैंसिनो भी है मेरे ख्याल से। उसके अलावा आ जाता है, फिर वैक्सीनेशन आ जाती है, मॉडर्ना आ गया है, जॉनसन जॉनसन आ गया है, और कौन सी है भाई, एस्ट्राजेनेका है, उसके बाद स्पुटनिक, ये चार अलग वैक्सीन हैं। बेसिकली चाइनीज़ वैक्सीन का जो इंटरनेट पे और जो अदर ममालिक है, यूरोपियन यूनियन हो गया, KSA हो गया, UAE हो गया, इन्होंने बैन की हुई चाइनीज़ जितनी वैक्सीनेशन हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग चाइनीज़ वैक्सीनेशन लगवाएंगे वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू कम इन टू आवर कंट्रीज़। तो ये मसला है। तो इसके मद्देनज़र जो है हमने भी यही सोचा कि यार अब जब जा रहे हैं, इतनी खौरी कर रहे हैं, तो इंसान वो चीज़ लगवाए कि फ्यूचर में कुछ पता नहीं यार, कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ भी हो सकता, अल्लाह पाक की मर्ज़ी। तो हमने भी सोचा मॉडर्ना लगवाएंगे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि मॉडर्ना लग रहे थे। 2 घंटा वेट करने के बाद ये कहानी हुई हमारे साथ कि मॉडर्ना नहीं लग रही। अब मैंने अपने भाई से पूछा है कि यार आप रिसर्च करो इंटरनेट पर, ये 3 साइनोवैक, साइनोफार्म और एस्ट्राजेनेका में कौन सी ऐसी है जो हम लगवाएँ दैट हैज़ अ बिट लेस साइड इफ़ेक्ट्स और जो मतलब बेहतर है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस है तो ऑब्वियसली बेहतर है। तो अभी का सीन यही है, हम यहाँ लाइन पे खड़े हुए, देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि भाई एक चीज़ ख़त्म हो गई है, मतलब इट्स सो इलॉजिकल। मुझे ऐसा लगता है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है कि दे आर गोइंग टू सेव ऑल ऑफ दीज दैट आर मोर वैल्यूबल वैक्सीन्स अमंग अदर वैक्सीन्स फॉर themselves। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है और माजद के साथ ये गलत भी हो सकता है, ये मेरी अपनी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से दैट इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग फॉर अ पर्सन। नाजरीन हम पहुंच चुके हैं अपनी वैक्सीनेशन की तरफ और ये बड़ा ही कोई अजीब सीन चल रहा है यहाँ पे, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। पुलिस वाले हैं, लोग वॉक इन भी कर रहे हैं, लोग गाड़ियाँ भी एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वी आर ट्राइंग टू गो इनसाइड, यहाँ पे 2-3 किस्म की लेनें लगी हुई हैं, ठीक है, और हमें अब एक लेन या दो लेन या थर्ड लेन में हमें डाला जा रहा है कि अब क्या करें, किस तरफ हम इस तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं इस तरफ कि गाड़ी यहाँ पे फंस गई है आगे। अब हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लेन्स हैं और 5 लेन में से 1 लेन में जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बस हजरात ये आप लाइन देख सकते हैं और यहाँ पे इतनी लाइनें हैं और अंदर गाड़ियाँ चेक करें आप सिर्फ। खैर कोशिश बहुत अच्छी है इनकी कि इन्होंने जो है बड़ा ही सिस्टमेटिक बनाने की कोशिश की है, लेकिन एंट्रेंस में वही था, बेताशा लोग आ रहे थे जा रहे थे। अब यहाँ पे अर्बन फॉरेस्ट का भी सीन है तो इस वजह से मोस्टली पैदल लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ काम के सिलसिले में भी होंगे, कुछ ऐसी मैंने फैमिलीज़ भी देखी है ऐसी पैदल अंदर घुस गई, जो हर जगह हमारे यहाँ कॉमन होता है, कोई भी ऐसा काम होता है तो उसमें कोई ना कोई आ जाता है बीच में घुसने के लिए। ऐसा और भी हुआ कि हमारी लाइन के बीच में पीछे लाइन में एक हजरत खड़े हुए थे, वो काफ़ी देर से हमारे साथ ही, फिर हम थोड़ा सा गाड़ी आ गई तो मेन रोड से चलती हुई गाड़ी जो आके लाइन में घुस गई और पीछे वाले जो बंदा था उसने भी बोला कि यार अच्छी नहीं लगता, वो फैमिली बैठी हुई पूरी, उन्होंने ऐसी हरकत की है, तो वो भी खामोश हो गए। मैं थोड़ा आगे था तो मैंने बोला यार अब अपने काम से काम रखा जाए। खैर अब यहाँ पर आए हुए हैं, अब देखते हैं भाई क्या सिचुएशन बनती है। और यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइनें हैं और अच्छी खासी समझें आप 14-14 गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं। ये चेक करें, वैक्सीनेशन तो हो रही है
लेकिन ये SOPs हैं। और फिर कह रहे हैं कि भाई कोविड बढ़ रहा है, कोविड बढ़ रहा है यार, जब आप वैक्सीनेशन सेंटर्स में SOPs नहीं पूरे कर सकते तो आप समझते हैं कि आपने काम किया है। भैया चार गाड़ियां अब हमारे आगे रह गई हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद अभी तक ये रहा है टू इन्फॉर्म एवरीवन हु इज़ ट्राइंग टू गेट वैक्सीनेटेड इन कराची कि भैया बेशक कोविड है इस दुनिया में, ठीक है, और पाकिस्तान में कराची में बहुत ज़्यादा जाने ले रहा है, लेकिन यार फॉर गॉड सेक्स आपके पास इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, आपके पास इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, अगर आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, आप लोगों को ईज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो लोग कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे किसी भी लिहाज से। इस वजह से माई पर्सनल ओपिनियन विल बी टू मेक पीपल ट्रस्ट यू। कोई और कोई भी हो सकता है यार, आप गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, सेमी गवर्नमेंट है, कोई भी इदारा है, कुछ भी है, क्योंकि ये एक बड़ा पेंडेमिक है, ठीक है, और पेंडेमिक में भाई कुछ नज़र नहीं आता, कोई रेस, कोई ज़बान, कोई शक्ल नज़र नहीं आती, वो पेंडेमिक हिट करता है, वो वायरस हिट करता है। तो भाई माय पर्सनल ओपिनियन राइट अप टिल नाउ, और अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, और वैक्सीन का भी एक और जंग होने वाली है आगे कि भाई कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अप टिल नाउ इट इज़ द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ कि 7 घंटे 6 घंटे हो गए मैं ऑन 4 आवर्स, इट्स बीन 4 आवर्स, और हम जो है एक ठक ठक ठुक। हाँ मैं मानता हूँ कि हमने ख़ुद कार ड्राइव थ्रू चूज़ किया, और अगर हम चूज़ करते कोई और तरीका तो हम सुबह में जल्दी उठ सकते थे, हम जा सकते थे, या हम कोई और लोकेशन चूज़ कर सकते थे, या हम जल्दी चले जाते वैक्सीनेशन का, वट एवर द रीज़न मे बी, प्रेजेंट की बात करते हुए इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू गो ऑन द कार वॉक थ्रू। इससे अच्छा यही है कि भाई जो करीबी फैसिलिटी है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे गवर्नमेंट ये वैक्सीन आई हुई हैं और आपको पता चलता है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग गो देयर। और मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स कि भैया ये जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे आप वैक्सीन कैसे लगवाएंगे। या मॉडर्ना, ठीक है, मॉडर्ना पासपोर्ट है मेरे पास, लेकर तो नहीं आया मैं अभी।